सो गैस वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले कुछ दिनों से तबीयत बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए रेगुलर ब्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे थे। बॉडी पेन, बुखार, मतलब लग ही हुआ है। 20 से 25 दिन हो गए हैं मुझे। कल से थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो आज सोचे कि अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, तो तकरीबन अभी 6 बजने जा रहे हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं। काफ़ी दिन हो गए मुझे बाहर निकले हुए भी। अभी लग रहा है एक छोटा सा गलती कर दिया हूँ यार, ये मोटा टायर वाला साइकिल लेकर के आ गया। और ये जो मोटा टायर वाला साइकिल होता है ना, पतले टायर वाले से काफ़ी मेहनत करवाता है। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सांस फूल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, साइकिलिंग में होता है। रांची का वेदर पूरा चेंज हो चुका है, काफ़ी ठंडी बढ़ गई है। और लुक एट द व्यू मैन, क्या व्यू आ रहा है। सच में बहुत दिन हो गया था ऐसे बाहर निकले हुए, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। और यहाँ पे कुछ बच्चा लोग मिल गया है, स्टंट दिखा रहा है। वाह, अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे ये लड़का तो गर्दा कर दिया। वाह देखे यहाँ पे, अरे लड़का तो पूरा मारते हुए जा रहा है। लेकिन यार ऐसे ऑन रोड में ये सब स्टंट नहीं करना चाहिए, मैं तो यही सलाह दूंगा। फिलहाल मेरा फट की हालत खराब है, ऐसा समझे यार साइकिल ही क्या है, पूरा पैर दर्द हो गया। वैसे आप लोग सोच रहे हो पूरा हुडी उडी मार के निकला बाहर, में तबीयत खराब है इसलिए पहना है, वो भी एक रीज़न है। लेकिन एक्चुअल में भैया रांची का मौसम बदल चुका है, पूरा ठंडी मौसम हो गई है भाई यहाँ पे। आप जहाँ भी रहते हो उधर कैसा मौसम है कमेंट करके बताओ। अभी जस्ट मैं अपने जिम वाले रोड से गुजर रहा हूँ, इतने दिन से जिम नहीं किया यार, बहुत ही अंदर से अजीब टाइप का लग रहा है। यही होता है जिनको जिम की आदत होती है ना भैया, उनसे अगर आप जिम छुड़वा दोगे ना तो उनको खुद में ही अजीब लगने लगता है। यार कोई बात नहीं, हो जाएंगे ठीक पूरी तरीके से, ज़रूर जिम भी करेंगे। वैसे तो साइकिल मेरा हालत ख़राब करवा दिया भाई, अभी तो थोड़ा सा स्लोपिंग है यहाँ से, तो उतना प्रेशर नहीं लग रहा। जैसे भैया चढ़ान आता है अलग टाइट हो जाता है। मौसम बहुत ही बढ़िया है यहाँ का, जस्ट लुक एट द व्यू मैन। ये हमारे घर के सामने एक तालाब है, इस तरीके का है। सोच तो रहे एकदम लास्ट वहाँ तक जाएं साइकिल चला करके, पर लेकिन पैर थोड़ा जवाब दे रहा है, पहला दिन है अभी, बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए आई गेस। तो बस ये व्यू देख लो, मैं भी अब घर के लिए निकलता हूँ। वाइब बड़ा सही है यहाँ का। और यहाँ पर जस्ट तालाब के सामने ये छोटा सा बाजार लगता है, जिसमें सब्जी वगैरह मिल रहा है, तरीके का छोटा सा यह मार्केट है यहाँ पे। सुबह सुबह साइकिल चलाने का फील ही अलग है यार, बस छोटा सा बाजार है, उतना भी बड़ा नहीं लगता है, लेकिन हर चीज़ आपको मिल जाएगा सब्जी वगैरह यहाँ पर। So finally iPhone 15 Pro Max purchase कर लिए हैं। वैसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन इस बार वाला iPhone में टाइप सी आ गया ना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है यूज़ करना iPhone। मैंने जो Amazon से ऑर्डर कर लिया था, सो ये रहा अपना iPhone 15 Pro Max, 256 GB वाला परचेस किया है। वैसे परचेस करने के पीछे एक ही रीज़न है कि इस बार वाला iPhones में टाइप सी आ चुका है, इससे काम काफ़ी आसान हो जाएगा, जितने भी SSD है मेरे पास सारा डायरेक्टली इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। सो ये यहाँ से मैंने ओपन किया, ओके। सो ये रहा हमारा iPhone। वाओ क्या प्रीमियम लग रहा है। व्हाइट कलर परचेस किया है क्योंकि ऑलरेडी मैं iPhone 12 Pro Max यूज़ कर रहा हूँ डार्क कलर में, तो इस बार सोचा कि थोड़ा लाइट कलर होना चाहिए। वैसे आप सामने से देख सकते हो iPhone 12 Pro Max और 15 Pro Max में कितना डिफरेंस है। वैसे इसमें टाइटेनियम फ्रेम आ गया है ना, तो आई कैन फील कि ये थोड़ा लाइट मुझे फील हो रहा है एज़ कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील बॉडी। तो चलो ठीक है, मैं इसे सामने यहाँ पे पिल ऑफ करता हूँ। सो सैटिस्फाइंग मोमेंट।
वाओ अमेजिंग। और ये हमारा प्यारा एप्पल लोगो आ चुका है। वैसे जब आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ था ना, उसी समय मैंने सोचा था अपग्रेड कर लेने को अपने 12 प्रो मैक्स को, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे एक वीडियो या आर्टिकल मिला कि आईफोन 15 जो सीरीज आएगा ना उसमें टाइप सी होने वाला है। तो मैंने सोचा कि एक साल वेट कर लेते हैं, जब 15 में टाइप सी आ जाएगा तो परचेस कर लेंगे। बॉक्स में कुछ खास नहीं मिलता है, बस ये ब्रेडेड केबल एक मिल जाएगा टाइप सी वाला। एक चीज मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि अमेजोन में कोई भी कार्ड डिस्काउंट ऑफर नहीं मिल रहा था। यूजुअली स्टोर में HDFC के कार्ड में डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन मुझे पूरा MRP में पे करना पड़ा, तो ये थोड़ा सा वियर्ड था। हो सकता है अभी न्यूली लॉन्च है ना, तो Amazon Flipkart वाले थोड़ा बेनिफिट उठा रहे इस चीज का, बाकी बाद में हो सकता है डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो यही थी आज की ब्लॉग। शॉर्ट एंड सिंपल, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए